हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओनरशिप रिव्यू इस गाड़ी का। ये गाड़ी है हमारी C300 कैब्रोले। ये गाड़ी कन्वर्टिबल है, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि मर्सिडीज़ की पहली गाड़ी है जो उन्होंने कन्वर्टिबल फॉर्म में लॉन्च की थी। मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन सी क्लास का ये गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिबल। बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है इस गाड़ी का, बहुत ज़्यादा बिकती है ये गाड़ी। रोड पे आपको कम दिखाई देगी, रीज़न बहुत सिंपल सा है इसका प्राइस। मर्सिडीज़ की गाड़ियों का सबसे बड़ा रीज़न मुझे यही लगता है कि प्राइस इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन स्टिल जो लोग मर्सिडीज़ लवर हैं वो इस ब्रांड के ऊपर ही जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इस कार के ओनर से और उनसे एग्जैक्टली पूछेंगे क्या रीज़न है इतना पैसा खर्च करके, कितने खुश हैं वो, कितना परफॉर्मेंस से खुश हैं, क्या इसके अंदर कम्फर्ट है और उनका इस गाड़ी को खरीदने के पीछे का रीज़न क्या है। तो मैं इनवाइट करती हूँ अनमोल को। हाय अनमोल, कैसे हैं आप? I'm good, आप बताओ। बहुत बढ़िया। आपके चंडीगढ़ में आके बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत प्यारी जगह और लोग हद से ज़्यादा प्यारे हैं यहाँ के। अच्छा, चलिए अनमोल, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी से, आपसे गप्पे बाद में मारेंगे। ये मुझे बताइए कि ये जो गाड़ी आपने खरीदी, तो आप क्लियर थे कि कन्वर्टिबल पे ही जाना है या आप नॉर्मल गाड़ी भी खरीद सकते थे? पहले मैं कंसीडर कर रहा था मस्टैंग को, देन डैड से बात हुई। डैड पहले कहते कि ले लो मस्टैंग, फिर उन्होंने कहा, कहते कि एक कन्वर्टेबल कार ले लो, वो एक्सक्लूसिव में ज़्यादा सुंदर लगते, काफ़ी बढ़िया लगते, और मस्टैंग काफ़ी चंडीगढ़ में कॉमन भी हो गई थी, तो ये काफ़ी हद तक एक्सक्लूसिव थी। चंडीगढ़ में दो चार ही थी उस टाइम पर, तो हाँ ये बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत कम हमें रोड के ऊपर दिखाई देती है। अच्छा, मस्टैंग अगर तुमने सोचा था तो रेट में भी काफ़ी फ़र्क है, उससे महंगी है ये? मैम तो मेरे को नहीं सोचा, मैम अप्रॉक्सीमेट सेम थी ये भी, मेरे को अप्रॉक्सीमेट 80 तक की पड़ी, वो भी अप्रॉक्सीमेट 80 तक की पड़ी, 76 की अप्रॉक्स पड़ी। हाँ, 4-5 लाख का फर्क है। यस मैम। ओके, तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा था तुम्हें। यस मैम। अच्छा अनमोल, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने मस्टैंग देखी, ठीक है, ये जो आपका मॉडल है ये कौन सा है, प्रेजेंट वाला है? यस मैम, प्रेजेंट मॉडल 2022 वाला फेसलिफ्ट मॉडल है। नहीं मैम, ये मैंने ली 2019 में थी, बट तब ये नया नया फेसलिफ्ट हुआ ही था, और अभी अगर अभी तो आया नहीं है। नहीं, अभी कोई इसका वो नहीं आया, मतलब प्रेजेंट वाला हमारा मॉडल है ये। ऑन रोड कितने की पड़ी आपको ये? मैम 80 लाख अप्रोक्सीमेट, 80 लाख रुपए खर्च हो गए तुम्हारे। उसके बाद कुछ और मॉडिफिकेशन कराया, कोई छेड़खानी गाड़ी के साथ? नो मैम, मैंने एग्जॉस्ट का सोचा था, बट मैंने मर्सिडीज में बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि वारंटी वॉइड कई बार कर सकते हैं अगर कंपनी को इशू आ जाए, तो मैंने कहा 3 साल के बाद ही करूंगा इसको, नवंबर में 3 साल हो जाएंगे उसके बाद कराओगे? यस मैम। ओके, एग्जॉस्ट आज और आजकल ट्यूनिंग का बड़ा सिस्टम चल रहा है, ट्यूनिंग की ट्यून करा लो, इंजन और स्पीड बढ़ जाएगी। चंडीगढ़ में 50 से ऊपर कार ही नहीं चला सकते, क्या करवाओगे? चलान हो जाएंगे तुम? बिल्कुल मैम, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट पुलिस आप नहीं चला सकते 50 से ज्यादा। ओके, ऑल राइट। गाड़ी का लुक बहुत फैबुलस है, बहुत अमेजिंग गाड़ी है ये। इसके अंदर जो आपके LEDs यूज किए गए हैं, पता है कितने नंबर ऑफ LED है इसके अंदर? मैम इतना आइडिया नहीं है। 84 LEDs लगे हुए हैं इस हेडलैम्प स्ट्रक्चर के अंदर, अमेजिंग गाड़ी है ये। अच्छा ये इधर आओ, अलॉयज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 17 इंचेस अलॉयज है। यस मैम, 17 इंचेस। और इसमें एक और डिजाइन आता, तुमने दूसरा वाला नहीं कंसीडर किया? मैम नहीं, वो उसमें काफी ज्यादा क्रोम पार्ट था, मैंने कार ब्लैक ली इस चीज के लिए थी कि मतलब जितनी ज्यादा ब्लैक लगे उतना ही सुंदर हो। ओके, मेरे को ज्यादा ब्लैक आउट टाइप ब्लैक नहीं चाहिए था, डिसेंट से लुक चाहिए। यस मैम। अच्छा इसमें जो ये वाला हमारा रूफ होता है, इसके अंदर कलर ऑप्शन भी आते हैं? मैम इसमें कलर ऑप्शंस आते हैं, बट मेरा मेरे को यहाँ चंडीगढ़ से मिल रही थी मोहावे सिल्वर विद डार्क ब्लू रूफ, बट मैंने कंसीडर ब्लैक विद रेड ही करी थी। मेरे को चंडीगढ़ से कह रहे थे दैट दे विल गिव मी कार इन फेब्रुअरी, तो मैं तब तक वेट नहीं करना चाहता, तो मैंने नवंबर में कार ले ली थी। मेरे को सिल्वर एरिस दिल्ली से मैंने परचेज करी थी। अच्छा, दिल्ली से ली है? यस मैम। और इसके अंदर एवरेज कितनी निकाल रहे हो? फ्यूल टैंक तो 66 लीटर का है। मैम एवरेज काफी कम है। एआरआई तो 14 कह रहा है, 14? मैम नो, 5.4 5.5 मैक्सिमम 6-7। यस, इतना वेरिएशन है काफी, तो थोड़ा सा चलाने पर भी होता है कई बार, जैसे आप एकदम से थोड़ा पैडल तो तुम तो 50 की स्पीड पर चलाते हो, अच्छी एवरेज। मैम मोहाली में तो आप चला सकते हो, चंडीगढ़ में चला सकते हो, थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ता है। तो फिर तो तुम ट्यून करा सकते हो, अगर 14 की एवरेज को 5 पे लेके आ गए हो तब तो चलो ठीक है। ओके, LED टेल लैंप्स लगे हुए हैं गाड़ी में, और इसका कैमरा यहाँ से आता है, ओपन होता है, आप अगर रिवर्स करेंगे तो कैमरा बाहर आ जाएगा। गाड़ी कहीं से मारी वारी नहीं है तुमने अभी? नहीं मैम, बहुत अच्छे से चला रहे हो, बहुत अच्छे से मेंटेन है। अच्छा अनमोल, आपने PPF कराया है इस पे? हाँ जी मैम, सेरेमिक कोटेड है। सेरेमिक कराया? यस मैम, सेरेमिक करवाया। कितने साल वाला कराया है? मैम 3 इयर्स। और कितने लेयर वाला कराया है, वो आइडिया? आई गेस 3 लेयर्स, आई हैव नो आइडिया इतना ज्यादा, बट
अच्छा कितना इफेक्टिव लग रहा है आपको सेरेमिक, कितना टाइम हो गया कराए हुए? तीन, मतलब नवंबर में 3 साल हो जाएंगे जैसे कर ली थी, उसके 2 दिन के बाद करवा दिया, करा लिया था। तो क्या आपको लग रहा है कि हाँ यूजफुल है ये चीज़? लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल ब्लैक कलर पर तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे अकॉर्डिंग व्हाइट पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ब्लैक पर तो इट इज़ वेरी मच। तुम्हारी ऐसा हुआ है झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी अभी तक गाड़ी में गई? शहर में रही है ज़्यादा टाइम। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि इफेक्टिव है नहीं है? मैम मेरे को जैसे कई बार गाड़ी धोने वाले होते हैं, ड्राइवर भैया होते हैं, वो मतलब कपड़ा कभी यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा हार्शली, तो मतलब स्क्रैचेस नहीं पड़े, नहीं और कार्स पर काफ़ी ज़्यादा पड़े, हेयर लाइंस पड़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसका बूट स्पेस तो बहुत ज़्यादा कम है, और स्पेयर टायर इसमें ऊपर ही प्लेस होता है, नीचे होता है ना ये यूजुअली? नहीं मैम ऊपर ही होता है, यूजलेस है मैम इसका बूट, है ना? हैंडबैग्स वगैरह बस रख सकते हैं। तो अगर तुम ट्रिप पे जाते हो और अगर सपोज, वैसे तो इसको 2 सीटर की तरह कंसीडर करते हैं, लेकिन सपोज एक दो दोस्त और साथ में आ जाएं, जो हमारा होता ही है कल्चर के, नहीं मैं भी चलूंगा। मैम सामान कहाँ? मेरा एक मेन रीजन इसको कंसीडर करने का यही था, मतलब ऑब्वियसली सामान वगैरह तो नहीं लेकर जा सकते, जैसे इफ़ यू आर गोइंग थोड़ा सा दूरी 50-100 किलोमीटर, तो आपके दोस्त वगैरह आपके साथ पीछे तो बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। मैंने एक बार 718 बॉक्सटर भी कंसिडर कर दी, बट पोर्श का एक तो शोरूम नहीं था चंडीगढ़ में, फिर मैंने इसको इसलिए कंसिडर करा कि आराम से कई बार दोस्त बैठ भी सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉपर 2 सीटर, मतलब आप 4 बंदे थोड़ी देर के लिए तो बैठा सकते, थोड़ी देर के लिए हाफ एन आवर, 1 आवर वाला सेम ही कंसेप्ट है, आप नहीं पीछे। बट मैम इसमें एक चीज का एडवांटेज हो जाता है, जैसे रूफ डाउन है तो किसी को हेडरूम कम नहीं होता, आप समझ रहे हो, बहुत अच्छा एरी सा फील होता है, टेशन के लिए गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, शौक शौक बड़ी चीज है। अच्छा इसमें ये आपका टेम्परेरी टायर दिया गया है ना? यस मैम। इसको यूज किया अभी तक? नहीं मैम, जरूरत नहीं पड़ी। 3 साल में एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी? मैम 3 साल में गाड़ी अभी तक चलाई 8000 किलोमीटर, 8000। इतना बड़ा शौक, इतनी छोटी सी ड्राइव। मैम कार ये सिर्फ चलती शहर में, और कहीं थोड़ा सा बाहर लेकर जाओ, कितनी बार तो स्पीड ब्रेकर्स पे नीचे लग जाती है, कहीं लेकर जाने का दिल ही नहीं करता। हाँ इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफी लो है। राइट राइट, चलो अनमोल पहले इसका रूफ खोलते हैं एक बार, अंदर से देखते हैं गाड़ी। सही कह रहा है अनमोल, वैसे मस्त वाला टशन है इस गाड़ी में, और बैठ के एकदम ऐसा लग रहा है मुझे कि हम सड़क पे बैठ गए हैं। काफी नीचे है ना, बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस कम है, लेकिन आपको बैठ के भी ऐसे ही लगता है कि यस, ये स्पोर्ट्स कार का थोड़ा सा होता है इशू ना। और मैं बिल्कुल एक ये वाला इशू होता है, बट हमारे चंडीगढ़ में ना मतलब जैसे मौसम काफी बढ़िया रहता है, ग्रीनरी काफी हद तक है कंपैरेटिव टू एनी अदर प्लेस, तो मतलब हम लोग जैसे रूफ डाउन कर आराम से घुमा सकते हैं शाम को, जैसे हमारे इधर काफी ज्यादा, आपने गेड़ी कल्चर देखा होगा, हमारे इधर गेड़ी कल्चर काफी ज्यादा है। गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो? ओके ऑल राइट यस। बाकी अगर हम फिट एंड फिनिश की बात करें तो फैबुलस फिट एंड फिनिश है, इसमें तो मर्सिडीज को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, सुपर कंफर्टेबल सिटिंग है इस गाड़ी की। अच्छा तुम्हें ये नहीं लगता इसमें अनमोल के ये फुल ऑन डिजिटल होना चाहिए था, इसमें ये एनालॉग मीटर दे दिए? मैम ये मैं भी मानता हूं कि ये मतलब हमें इतना पैसा खर्च किया, बिल्कुल मैम 2020 सी कैब में आ गया था, ये 19 मॉडल है, 20 में आ गया था। ओके उसके अंदर आज बात। हां जी मैम। अच्छा इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है तुम्हारा वायरलेस है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो? वायर्ड है मैम, इसमें वायर्ड है, वायर्ड दिया हुआ है। यस मैम। वो भी नहीं लगता आपको कि वायरलेस होना चाहिए था आजकल तो यार? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एप्पल कारप्ले इतना यूज करता ही नहीं, मेरे को यूजलेस फीचर लगता है, क्योंकि मैम कोई आपके मैसेजेस आ रहे हैं या कुछ भी हो तो जो साथ में बैठा है वो क्लिक करके पढ़ लेगा। हो सकता है ये लड़की का चक्कर लग रहा है मुझे, इसमें लड़की का चक्कर है बाबू भैया, इतना डरने की क्या बात है भैया, ये तो हो रहा है। वैसे मतलब मेरे को पर्सनली यूजलेस लगता है कई बार, जैसे कुछ चीजें होती हैं मतलब मेरे को, मतलब मैं आपको क्या बोलूं। ठीक है आपकी पर्सनल चॉइस है। अच्छा यहाँ पर आपके पास सारा कंट्रोल दिया गया, ये आपका नेविगेशन के लिए ही है, ये नेविगेट कर सकते हो, और ये आपका राइटिंग वाला भी होता है, yes, है ना? टच पैड। एक मैं इसके ऊपर बता रही थी एक वीडियो में कि यार ये जो हमारा टच पैड है जिसके ऊपर हम राइट भी कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं या जो भी हमें करना है, इसका क्या सेंस लगता है? तुम्हें उल्टे हाथ से लिखते हो? मैम टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो ये मैंने कभी यूज भी नहीं किया। इसका कांसेप्ट पता है क्या है कि फॉरेन कंट्रीज में ना यहाँ वाली ड्राइवर हमारी, हाँ जी हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उनके लिए तो बहुत इजी है, वो लेफ्ट हैंड साइड से करते तो राइट हैंड से लिख लेते हैं, हम लोगों का क्या सेंस है यहाँ से पकड़ रखा है, लेफ्टी तो बहुत ज्यादा कम ही है ना। बिल्कुल। और यहाँ तुम्हारे पास ये कंट्रोल दिए गए इसको ओपन करने के, अपना ये रूफ ओपन करने का, ये अगर चारों विंडोज आपको इकट्ठे डाउन करनी है ऊपर करने, ये अगर आपको वो जैसे मतलब एयर वगैरह का प्रेशर रोकने के लिए ये निकल आते हैं, वहाँ से पीछे से वाला विंग बाहर आ जाता है, इधर से ये वाला ये वाला दिखाओ ये ऑपरेट कर मैम ये
और एक पीछे से वाला विंग भी ऊपर आ गया, ताकि इफ़ यू आर ड्राइविंग एंड इफ़ यू आर गोइंग आउट तो मतलब आपके सर पर हवा ना लगे। ओके यस राइट। बाकी तो स्टेयरिंग पे हमें सारे, हमारा वॉइस कमांड है, वॉल्यूम अप डाउन का आप कर सकते हैं, फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, लिमिटर दिया गया है, स्पीड को अपनी सेट कर सकते हैं। और मर्सिडीज़ है तो आपको पता है यहाँ पर ये लीवर दिया जाता है, यहाँ पर हमारे पास सच कोई वो नहीं होता है गियर के लिए। बर्मिस्टर आ जाता है। हाँ, बर्मिस्टर का इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम है जो बहुत वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। बिल्कुल, म्यूजिक तो बहुत फैब होगा इसमें। यस मैम, म्यूजिक है ना, अगेन तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स खुश रहती होंगी। ओके, एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो इसकी सीट बेल्ट है, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, देखिए वो बेल्ट अंदर चली गई है, और जैसे ही आप अंदर बैठ गए हैं बंद करेंगे तो बेल्ट आगे आ जाती है और बताती है आपको कि लगा लीजिए भाई, आपकी जान बहुत कीमती है। अच्छा अनमोल, इस गाड़ी के पीछे कैसे जाते हैं? मैम पीछे जाने के लिए आप दोनों तरफ से जा सकते हो, ड्राइवर साइड से, पैसेंजर साइड से भी, बाकी यू हैव टू जस्ट डू दिस, सीट विल गो ऑटोमेटिकली। काफी जगह है यार, मगर ये ओपन होना चाहिए तब काफी जगह है। रूफ दोंगे थोड़ा सा तो हेड स्पेस का डिसएडवांटेज रहता है, रूफ अप में, सॉरी। और ये आगे वाला ऐसे ही बैठना चाहिए तब बहुत अच्छा है पीछे बैठने के लिए, तो यू कैन कंसीडर इट एज अ मेबैक। यस, इसको वापस करना पीछे की तरफ, फिर देखते हैं। अगर ओपन है देन इट इज वेरी फाइन, तब तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन ये ऐसा अगर बंद हो जाएगा तो मैम मतलब आपकी हाइट पे ठीक रहेगा। एक बार बंद करके दिखाओ मुझे, पूरी गाड़ी बंद कर दो, देखते हैं इसको पीछे बैठ के भी। ओके मैम, वन सेकंड। नेक्स्ट परचेज नहीं है मेरा ये, लेकिन यस अच्छी लग रही है, देख सकते हैं। ये इन टोटल कितना टाइम लेता है पूरा? 20 सेकंड्स। नहीं नहीं, यहाँ पे सर अड़ गया मेरा। नहीं नहीं नहीं, ठीक हो गया। देखिए अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है, 5'5" अगर आपकी हाइट है तो आपको ठीक है, मतलब ठीक है, तब भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और अगर उससे थोड़े से भी बड़े हो गए, अच्छी खासी हाइट वाली लड़कियां हैं या लड़के तो खैर लंबे ही होते हैं, आपको दिक्कत होगी। यार नहीं यार, 2-सीटर व्हीकल है ये, खोलो मुझे निकालो। और रूफ अगर ओपन है तब तो फिर मस्ती है, फिर आप सब दोस्त, बिल्कुल सही बताया अनमोल ने। हाँ यस यस यस। तो ट्रिप पे नहीं गए हो तुम इस पे? 8,000 अंदर ही अंदर चलाते गए बस, लोकली चली गए। ओके, ऐसे ये गाड़ियां ट्रिप पे ले जाने में डर बहुत लगता है, टायर पंचर हो गए ना, वो भी इतनी बड़ी हेडेक है कि यार। और मैम डर से ज्यादा ना, एक तो जो सॉफ्ट टॉप होती है उसका एक तो डिसएडवांटेज है, अगर कभी कोई मजाक मस्ती में कुछ कटर या कुछ की मार दे तो आपको पूरी रूफ ही चेंज करवानी पड़ेगी। चलो अब हम बताते हैं कि मर्सिडीज वाले या BMW वाले, ऑडी वाले, हम लोग इतने डरे डरे इन गाड़ियों को थोड़ा डर डर के यूज करते हैं ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब वो डर का रीजन सबसे पहला होता है हमारे सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट कितनी होती है मैम? इसकी बेसिक सर्विस 50,000 एंड इफ यू गो फॉर दिस मेजर सर्विस देन दे टेक अराउंड बट 1,00,000-1,20,000। वो इतना बना ही देते हैं, कुछ ना कुछ तो बताते हैं कि थोड़ा बहुत ये हो गया, थोड़ा बहुत वो हो गया, है ना? तो अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 के करीब हो जाती है। ओके अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसका कोई आपका टायर फट गया, ये हो गया। अच्छा तुम्हें ये पता है कि मर्सिडीज़ का अगर आपका टायर फट जाता है, किसी भी लग्जरी ब्रांड का हमारा कुछ होता है इस तरीके से, तो आपको कंपनी फ्री रिप्लेसमेंट देती है टायर का? हाँ जी मैम, इसमें तो हैवी रन फ्लैट दे हैव सेट कि अगर सर कभी फट जाए तो आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप 50 किलोमीटर तक यू कैन ड्राइव दिस कार इजीली। करा है तुमने अभी तक हुआ है कुछ टायर में? नहीं मैम, हमारा सब कुछ सेफ रहे। बिल्कुल अभी तक तो सब कुछ सेफ रहे। अच्छा अनमोल, आप मुझे ये बात बताओ दोस्त, गाड़ी हमने देख ली, 2-सीटर व्हीकल है, पीछे कुछ सेंस नहीं आ जाता बैठने की, छोटा मोटा तुम चलाते हो, 3 साल में 8,000 तुमने चलाई है डर डर के, काफ़ी महंगी गाड़ी पड़ती है, महंगी खरीदने में भी है, मेंटेन करने में भी है, राइट? खरीद ही क्यों है, कुछ और खरीद लेते हैं, 80,00,000 में तो बहुत ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शंस में मतलब मेरे डैड ने मेरे को कन्विंस किया था कि एक बार GLE 43 AMG देख लो, उन्होंने उस कार को वहाँ सिल्वर एरोज में देखा था खड़े हुए, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि इसको कंसिडर करो, बट उस टाइम पर ये था कि एक दो दोस्त थे जिनके पास मस्टैंग वगैरह आई थी, तो हमें भी थोड़ा सा ये था कि एक स्पोर्ट्स कार ही लेनी है, स्पोर्ट्स से ज्यादा मैं इसको एक्सक्लूसिव व्हीकल में कंसिडर। 43 AMG भी स्पोर्ट्स कार की रेंज में आती है काफी, बट मैं वो SUV कूप थी ना, मेरे को चाहिए कन्वर्टेबल या 2-सीटर थी। तो मतलब क्लियर ही थे कि क्लियर था यहाँ पे पैसे लगवाने ही हैं मैम, और सारे सेगमेंट्स थे मेरे पास, तो मतलब इस बारी मेरे को थोड़ा सा शौक की तरफ जाना था। अच्छा मर्सिडीज में तुम्हारे पास सेडान है और ऐसी स्पोर्ट्स कार में तुमने Z4 वगैरह नहीं कंसीडर मैम? Z4 कंसीडर कर दी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो लेटेस्ट Z4 है उसके मेरे को डिजाइन लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी। नहीं अच्छी लगी, वो अपनी अपनी चॉइस है, मुझे वो ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे को नहीं, भी बहुत अच्छी है।
नहीं वो हर किसी की अपनी चॉइस है, आपके वो बिल्कुल ठीक है, बट मेरे को इस बार नहीं उसकी डिजाइन लैंग्वेज अच्छी लगी, पुराने वाली जिसकी हार्ट टॉप होती थी वो मेरे को काफी सुंदर लगती थी। आई थिंक वो कॉस्टली भी है इससे ज्यादा, जब बंदा 80 तक पहुंच जाता है फिर बंदा 10 लाख के बारे में सोचता चला जाएगा, फिर बंदे को और क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, 20-30 लाख ऐसे लगते हैं छोटे मोटे से कि चले जाएंगे, वो तो है ही है, तभी तो GLE 43 भी कंसीडर करने चले। मेरे डैड ने उसको कन्विंस किया था सिल्वर एरोज में कि मतलब हम GL, मेरे को कन्विंस कर रहे थे कि GLE 43 ले ले। अच्छा अनमोल एक और चीज बताओ दो, इस गाड़ी में तुम्हारा तुम कन्वर्टिबल के पीछे पड़े हो, बिल्कुल अभी गर्मी आएंगी तब नहीं खुलने वाला, सर्दियों में नहीं खुलता, बारिशों में नहीं खुलता। मैम बारिशों में तो इस कार को लेकर जाने का कोई फायदा ही नहीं है, और मैम सर्दियों में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके जैकेट्स वगैरह डाल के शाम को 5-6 बजे गेड़ी रूट पे निकल तो जाते हैं, एंड मैम गर्मियों में भी निकल जाते हैं, पहन लो मंकी कैप पहन लो सब कुछ पहन लो। नहीं नहीं मैम, और मैम अपना गर्मियों में 6-7 बजे के करीब मौसम ठीक होता है, हम लोग आराम से चले जाते हैं, नोट कर, तुम एडजस्ट कर लेते अपने शौक के लिए सब कुछ एडजस्टमेंट मैम करना पड़ता ही है। अच्छा इसके अंदर जो इंजन यूज किया गया वो 2000 सीसी का है, 2000 सीसी है ना, और 4 सिलेंडर इंजन इसके अंदर है, टर्बो इंजन इसके अंदर यूज किया गया, बहुत पावरफुल कार है ये, और आई थिंक 258 हॉर्स पावर इसके अंदर है और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसके अंदर, तो अच्छी खासी पावरफुल है। मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चलाई है मैम? मैंने तो 130-140 तक इतनी चलाई, इतना पैसा लगा के थोड़ा चला के तो देखते, खाड़ी बता रहे थी मोहाली में इतनी सारी रोड है, इसके बाद आप तो डांटेंगे, आप डांटेंगे नहीं ऐसे कुछ कहेंगे नहीं, बट हाँ मैम जैसे कई बार शौक में तो चला ही लेता बंदा थोड़ी सी तेज गाड़ी। 0-100 टेस्ट किया है गाड़ी का? 0-100 जो मैंने खुद टेस्ट किया था, मैं स्नैपचैट स्टोरी डाल रहा था, मेरा भाई कार ड्राइव कर रहा था, तो इट टुक अराउंड बट लाइक 5-6 सेकंड्स, आई गेस 6 सेकंड्स एग्जैक्टली 6.2 सेकंड्स में जाती है, ये इस लड़के ने सही टेस्ट कर रहा है। मैम मेरे को कारों का कीड़ा बहुत ज्यादा है, हम में से किसी भी कार के लिए बात कर रहे हैं। नहीं नहीं कार बहुत अच्छी है, सीरियसली नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देती है ये आपका BMW Z4 को। मैंने इसको अभी तक ऐसा देखा नहीं था, Z4 तो मैंने काफी देखी है, इनफैक्ट रेसिंग ग्रुप में ना Z4 बहुत ज्यादा कॉमन भी हो गई है। मैम Z4 का इंजन बड़ा है ना, अब जैसे अगर आप Z4 का 20i लो वो बराबर है, दोनों सिमिलर है, फिर उसका एक 40i वेरिएंट आ जाता वो इससे ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल है, बट मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि मैं इफ आई एम गोइंग फॉर Z4 40i आई वुड प्रेफर 718 बॉक्सटर। बॉक्सटर मैंने जब कंसीडर करी थी यहाँ चंडीगढ़ में, उसका तो फिर कॉम्पिटिशन है, वो तो मुझे अलग ही लेवल लगा, वो काफी ज्यादा अच्छी कार थी, बट मैम चंडीगढ़ में कोई शोरूम नहीं था, आप कार को मेंटेन करवा ही नहीं सकते थे, वो बहुत बड़ा इशू है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी थी उस टाइम पर कि कार मेंटेन कैसे होगी एंड ऑल दैट। ओके अच्छा किसी रेसिंग ग्रुप का पार्ट नहीं बने तुम? नहीं मैम नहीं, बस अपने लिए खरीदी अपने दोस्तों अपने के लिए लिमिटेड सर्कल में वहाँ पे एंजॉय कर, बस मैम अपने जितने अच्छे दोस्त हैं उनके साथ ही सिर्फ घूमते हैं। वेरी नाइस, आते हो दिल्ली तो गाड़ी नहीं लेके आए अभी तक? मैम वहाँ से लेके आए हैं बस एक, वहाँ से कार लेकर जरूर आए, कई बार अभी यहाँ जब पीछे फार्मर्स प्रोटेस्ट था सोचा था लेकर आएंगे मतलब कार को, बट फिर वही था कि वहाँ पर कहीं रश ना हो, ज्यादा रकस क्रिएट ना हो जाए, तो फिर इसको तो कहीं टपा भी नहीं सके, फॉर्च्यूनर वगैरह तो हम टपा लेते हैं आराम से। सही बात है, सही बात है, उस टाइम पे तो वैसे बहुत पंगा बहुत ज्यादा। ठीक है अच्छा इस गाड़ी के बारे में हमने बहुत गप्पे मार लिए, बहुत डिटेल में हमने बात किया, यस नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, ये देखने में भी बहुत अच्छी और बहुत पावरफुल मशीन है, मर्सिडीज सी क्लास, एक मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर आप कार लवर हैं, स्पोर्ट्स कार लवर हैं और आपका बजट इसके अंदर लाई करता है, 80 लाख तक रुपए आप खर्च करने के मूड में हैं, तो आप डेफिनेटली इस कार को सजेस्ट करती हूँ मैं। तुम करती हो? मैं तो करता हूँ। बिल्कुल करते हो, बिल्कुल। खरीद लिया इसलिए करते हो या करते हो दिल से? मैम अगर शौक है तो खरीदो, नहीं तो इससे बेटर ऑप्शंस जैसे आपको सेडान ले सकते हो, अगर आपको अपनी फैमिली के लिए कंसीडर करना, अगर आपको अपने टशन के लिए लेनी है तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज आप। मैम जैसे मेरे सारे सेगमेंट्स फुलफिल हो चुके थे, दैट इज व्हाई आई कंसीडर दिस कार, नहीं तो मैं भी कोई एसयूवी ही सोचता। तो चलिए दोस्त अब मिलते हैं आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो ये हमारे दोस्त है कुवर और इनका चैनल है द कार शो, और वहाँ पर जाके आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, इस गाड़ी की बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। कुछ बात करना चाहते हैं तो नीचे देख लीजिए, यहाँ पे कुवर का चैनल शो हो रहा है, जाइए अपना सपोर्ट दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और आपसे फिर मिलेंगे दोबारा हम, तब तक आप सबको पता है क्या करना है, पता है क्या करना है, बहुत सारा खुश रहना और बहुत शेयर सब्सक्राइब, ये हम कभी नहीं बोलते। हाँ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस बार होना चाहिए, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर योर चैनल, ये लोग इतने ज्यादा प्यारे हैं जो देखते हैं ना वो सब्सक्राइब कर ही देते हैं, थैंक यू सो मच, चलिए बाय।